नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख। एनबीसीएन न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। जहां पूरा देश रुक सा गया है, सभी व्यावसायिकों के काम ठप पड़े हैं, सभी अपने घरों में बैठे लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उसी दौर में अवैध शराब बनाने और बेचने का काम धड़ल्ले से हो रहा है। शहर में हो रहे अवैध शराब निर्माण और बिक्री के ठिकानों पर आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई। एक महीने में 80 लाख से भी ज्यादा माल जब्त कर कई आपराधिक मामले दर्ज। नागपुर जिला और उसके आसपास के ग्रामीण और अन्य परिसर में आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई कर एक महीने यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1,01,27,722 रुपयों का माल अपने कब्जे में किया। विभाग ने 242 अपराध दर्ज कर 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 104 वाहनों को सीज किया है। बंदी के समय जहां प्रतिष्ठान प्रतिबंधित किए गए, उस दौर में इतना बड़ा जत्था विभाग के हाथ लगना अपने में ही बड़ी कामयाबी है। जहां देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की परिस्थिति निर्माण है, इस वजह से सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को खुला रखने की परमिशन प्रशासन ने दी है। इसमें केवल दवाई, सब्जी और अन्न धान्य की दुकानें शामिल है। निर्देशों के अनुसार शराब की दुकानें भी बंद है, लेकिन शराब के नशे में धुत लोगों के लिए बंदी मायने नहीं रखती। बंदी के दौरान कई अवैध शराब निर्माता बड़े पैमाने में सक्रिय हो गए हैं। बंदी के बावजूद शराब की इन बंद दुकानों में चोरी के अधिक मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही हाथ भट्टी महुआ शराब के अवैध निर्माण में बड़े पैमाने में बढ़ोतरी हुई है। नागपुर के गिट्टी खदान में भिवसन खोरी, कड़मेश्वर में गौंड खेरी, हिंगना में कीनी व शेष नगर, बूटीबोरी में धवलपेट, उमरेड में दहेगांव व राजुरवाड़ी, भीवापुर में गरडे पार, कुही में वड़द व चांपा, केलवद में तेलंगी व उमरी खदान, रामटेक में नगरधन व सारक, देवलापार के पंचाड़ा, दाहुदा व चिंचदा के साथ ही काटोल में डोंगरगांव, खामगांव, घूबड़मठ, इन जगहों पर बड़े पैमाने में हाथ भट्टी महुआ दारू का निर्माण अवैध रूप से शुरू था। इसका पता चलते ही इन स्थानों पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे व पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय के साथ ग्रामीण के राकेश ओला, अधीक्षक प्रमोद सोनने ने पुलिस विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय किया, जिसमें मदद के लिए जिलाधिकारी ने 25 होमगार्ड्स की टीम आबकारी विभाग को दी। कई जगहों पे किराना दुकान की आड़ में शराब बनाने का सामान बेचा जा रहा था, तो कुछ लोग कॉलेज के बैग में शराब बेचने का काम कर रहे थे। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ब्रांडेड शराब बोलो या सस्ती निप, इन्हें दोगुने दाम में बेचा जा रहा था। इन सब में सबसे बड़ा जो जत्था आबकारी विभाग के हाथ लगा वो देवलापार का है, जहां दो बार कार्रवाई की गई, जिसमें एक बार 10 लाख और दूसरी बार 24 लाख का माल जब्त किया गया। केलवद में 16 लाख, राजुरवाड़ी में 6 लाख और छावनी में कारोबारी के बंगले से 4,75,000 का माल मिला। यहां तो एक मोटा आंकड़ा है, बाकी जगहों पर मारे छापे में भी मिले माल की कीमत 2 लाख से ज्यादा की है। हद तो तब हो गई जब चोरों ने शराब की दुकानों में सेंध लगाकर चोरी करने में भी आनाकानी नहीं की। यह सभी मामले लॉकडाउन के बाद के हैं। जैसे जैसे इन घटना का पता चलता गया, पुलिस विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही समय में आरोपियों को गिरफ्तार किया और माल अपने कब्जे में लिया। इस कार्य प्रणाली की जाँच में डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट डिवाइस ने काफी हद तक मदद की है। इस महीने में कई परमिट धारकों को चोरी छुपे शराब बेचते हुए पुलिस ने पकड़ा और आबकारी विभाग ने उन पर कार्रवाई करके करीबन 10 लाख का स्टॉक जब्त करके रखा है। इसमें जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी अपराध दर्ज का काम निरीक्षक केशव चौधरी, राव साहब कोरे, सुभाष खरे, मुरलीधर कोड़ापे, बाला साहेब पाटिल, सुनील सहस्त्रबुद्धे, इनकी टीम ने किया है। एक महीने में 1,27,000 से अधिक माल आबकारी विभाग के हाथ लगना बड़ी चौंकाने वाली बात है। यह पहली बार हुआ है कि बंदी के बावजूद इतना अवैध शराब निर्माण का कार्य शहर में धड़ल्ले से हो रहा।
यदि हम पिछले वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो उसकी तुलना में सिर्फ एक महीने में इतना माल जब्त होना यह अपने में ही एक रिकॉर्ड है। आइए डालते हैं एक नजर आबकारी विभाग द्वारा की गई पिछले वर्ष की कार्रवाइयों पर। आबकारी विभाग नागपुर में अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक 480 करोड़ से अधिक महसूल जमा हुआ था, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 105 करोड़ से ज्यादा का महसूल और 128% की बढ़त हुई थी। आपराधिक जांच में अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की कालावधि में 2842 अपराध दर्ज कर 2386 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही 3,52,66,511 रुपयों का माल भी कब्जे में लिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में कुल आपराधिक मामलों में 214 और आरोपियों में 433 से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 94,65,706 रुपयों इतना माल कब्जे में लिया गया, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 37% माल में बढ़ोतरी हुई है। शराब बिक्री में भी अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 में देसी शराब 2,84,97,797 लीटर बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20,96,254 लीटर से बढ़ी है। साथ ही विदेशी शराब की बिक्री 1,23,28,436 लीटर से हुई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9,32,164 लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यहां पिछले वर्ष के दिए गए आंकड़े पूरे वर्ष की गई कार्रवाई और बढ़ोतरी है, लेकिन केवल एक महीने में अवैध शराब निर्माण बिक्री और चोरी के ये मामले चौंकाने वाले हैं। इससे साबित होता है कि देश में अवैध कार्य का यह गुट इस संकट की परिस्थिति में भी कितना सक्रिय है। देश में आई इस महामारी से हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से लड़ रहा है, कोई घर में रहकर तो कोई बाहर सेवा देकर। उसी कड़ी में जहां एक ओर आबकारी विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल कर छापामारी की, वहीं दूसरी ओर इस संकट के दौर में उन सभी कर्मचारियों जो विभिन्न विभाग में कार्यरत है और कोविड-19 में सेवा दे रहे हैं, सेवा देने के साथ साथ 25 लाख का चेक जिलाधिकारी को सौंपा है और सेफ्टी किट का निशुल्क वितरण भी कर रही है। कोरोना वायरस जो कि एक संक्रमित बीमारी है और लोगों के संपर्क से फैलती है, इसका प्रसार छींकने खांसने से होता है। अभी इसके उपचार पर रिसर्च शुरू है। फिलहाल स्वयं ही एहतियात बरतते हुए लोगों से दूरी बनाने, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने आसपास के परिसर की स्वच्छता और खुद की स्वच्छता का ध्यान रखना और तकरीबन 20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोना जरूरी है। मुंह ढकने और हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है। हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग किया जा रहा है। अत्यधिक उपयोग के चलते महाराष्ट्र में हैंड सैनिटाइजर की भारी कमी महसूस की गई। इस ओर ध्यान जाते ही आबकारी विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई के आयुक्त कांतिलाल उमाप ने राज्य के सभी अधीक्षकों से बंद शराब निर्माताओं को हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। इसके बाद संचालक उषा वर्मा और विभागीय आयुक्त मोहन वर्दे के मार्गदर्शन में अधीक्षक प्रमोद सोनोने ने शराब निर्माताओं के सामने हैंड सैनिटाइजर बनाने का विचार रखा। नागपुर डिस्लरी नागपुर, रॉयल ड्रिंक्स डिस्लरी नागपुर और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज बेला नागपुर, इन तीन शराब निर्माताओं को हैंड सैनिटाइजर बनाने की संकल्पना बताई गई। फूड ड्रग की मान्यता लेकर लेबर परिवहन और कार्यों को जारी रखने के लिए रविंद्र ठाकरे ने मान्यता दी। इसके बाद आबकारी विभाग के अधीक्षक प्रमोद सोनोने के आदेश से हैंड सैनिटाइजर निर्माण करने का कार्य शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर डिस्लरी नागपुर ने 20,000 लीटर हैंड सैनिटाइजर हॉस्पिटल कोविड-19 का प्रकोप रोकने का काम करने वाले लोगों को निशुल्क देने की घोषणा की, जिसके बाद रॉयल ड्रिंक्स डिस्लरी नागपुर को मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेला नागपुर ने भी सेवा भाव की वृत्ति से कुछ हैंड सैनिटाइजर निशुल्क देने का निर्णय लिया।
नागपुर डिस्लरी ने सबसे पहले शहरी ग्रामीण परिवहन और अन्य स्थानों के साथ साथ अस्पतालों, खाद्य अनाज वितरण, दूध डेयरियों, नागरिकों की भीड़ भरे स्थानों, इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासकीय निरीक्षण गृह, शासकीय अनुरक्षण गृह, शासकीय कनिष्ठ बाल गृह, शासकीय वस्ती गृह इत्यादि जगहों पर रह रहे लाभार्थियों को निःशुल्क वितरित किया गया, जिसका नियोजन जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला से चर्चा कर आबकारी विभाग के जरिए वितरित किया गया। साथ ही मध्यवर्ती कारागृह नागपुर में कैदियों व शासकीय निगरानी में तैयार किए गए मास्क भी शासकीय वस्ती गृह में निःशुल्क दिए गए। इस वितरण व्यवस्था का काम अधीक्षक प्रमोद सोनोने की देखरेख और मार्गदर्शन में राव साहेब कोरे की टीम ने किया। इस वितरण और उत्पादन व्यवस्था का काम अधीक्षक प्रमोद सोनोने के देखरेख और मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के निरीक्षक सूरज कुसले, उप निरीक्षक सृष्टि भागवत और उप निरीक्षक प्रवीण गाड़गे की टीम ने किया। साथ ही आबकारी विभाग ने 25 लाख का चेक जिला अधिकारी को कोविड-19 में मदद के रूप में सौंपा है। अभी देश में जो हालात है, कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अपना कर्तव्य समझकर देश प्रेम निभाते हुए इन अवैध शराब निर्माण करने वालों का पर्दाफाश कर रही है। साथ ही कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए सेवा देने वाले कर्मचारियों के सेफ्टी किट निशुल्क वितरित करने का काम भी कर रही है। इस विभाग के ऑफिसर कर्मचारियों ने काम और सेवा भाव को प्राथमिकता दी, बावजूद इसके इनका कोई अतिरिक्त बीमा नहीं है, फिर भी ये अपनी जान जोखिम में डालकर अधीक्षक प्रमोद सोनोने के मार्गदर्शन में राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा किया जा रहा कार्य साहसी और सराहनीय है। इन BCN की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इन BCN न्यूज़। नमस्कार।